मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ हाजी न्यूज में। आज हमारे सामने शोएपुर से बहुत ही बड़ा मामला आ रहा है, जहां पर SDOP अपने घर पहुंचे और उन्होंने बाहर खाना खाया अपने घर के बाहर, तब उनकी मासूम सी बच्ची मासूम सी निगाहों से जब देख रही थी अपने पिताजी को, तब उस दौरान उसने एक सवाल पूछा कि पापा आज आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। जब उन्होंने जवाब दिया तब आपकी भी आंखें भर आएंगी। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर नजर डालेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। जैसे कि आप लोगों को बोला कि निरंजन जी अपने घर पे पहुंचे, और आप लोगों को पता है कि आजकल जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बैंक अधिकारी हैं, सरकारी ऑफिस जो कि जाना काफी ज्यादा जरूरी है, पुलिस कर्मचारी, सब लोग इस कोरोना वायरस को हराने के लिए अपने अपने घर से बाहर हैं। और उस दौरान ही वो अपने घर वालों को काफी टाइम से मिलते तक नहीं है। यहाँ पर निरंजन जी जो है वो भी अपनी फैमिली को काफी दिनों से मिले नहीं थे, और आखिरकार उनको फैमिली को मिलने का मन किया तो घर पे गए। और घर पे जाने के बाद उन्होंने घर के अंदर एंट्री नहीं ली, उन्होंने बाहर कुर्सी रखवाई और खाना मंगवाया और खाना खाया। मासूम निगाहों से उनकी बेटी देख रही थी गेट से उनकी तरफ। और उस दौरान ही जब उसने पूछा कि पापा आप आज अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं इतनी मासूम निगाहों से, तब उनकी आंखों से आंसू आ गया। और उस दौरान ही अपने आंसू छुपाते हुए बेटी से उन्होंने यही बात बोली कि बेटा मैं अभी बाहर हूँ, एक वायरस चल रहा है जिससे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, और आपको घर के अंदर रहना है, ये बहुत ही बड़ी गेम है, और अगर आप जीते तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको घर के अंदर ही रहना है। मतलब कि ऐसा तरीका उन्होंने अपनाया कि अपनी 4 साल की बेटी को उन्होंने ऐसा समझाया कि वो समझी और इस चीज को गेम समझ रही है और अपने घर के अंदर ही रह रही है। तो आप भी अपने बच्चों को अगर समझाने से थोड़े बहुत पीछे छूट रहे हैं तो इस चीज को गेम में लेके आ जाइए, तो शायद वो समझ जाए और घर के अंदर वो रहे, और उस दौरान ही वो आप लोगों को भी समझाए कि गेम चल रही है। क्योंकि बच्चों का जो कि दिमाग होता है वो बहुत ही ज्यादा मासूम रहता है, और मासूम दिमाग को मासूम तरीके से ही हैंडल किया जा सकता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।